अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, वाहिका वर्ल्ड से मैं मोहसिन एक नई रेसिपी के साथ हमारे चैनल पे आप सबका खुशामदीद करती हूँ। आज हम बनाएंगे एक सिंपल सी रेसिपी, वो है ककड़ी की चटनी। देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आप भी फटाफट से नोट कर लीजिए। हमें चाहिए ककड़ी, इमली, सूखी लाल मिर्च, तेल, धनिया, मेथी, जीरा, राई, प्याज, कड़ी पत्ते, नमक स्वाद अनुसार। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम इमली को थोड़ी देर के लिए भिगो के रख लेंगे और ककड़ी को पील करके सीड्स निकाल कर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब एक फ्राइंग पैन में थोड़ा ऑयल डालकर गरम होने के बाद हम उसमें डालेंगे जीरा, धनिया, मेथी और इसको गोल्डन कलर आने तक अच्छे से भून लेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। फिर हम इसमें सूखी मिर्च भी डालकर भून लेंगे। देखिए अब लाल मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम स्टोव बंद कर देते हैं। इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे और ठंडा होने के बाद मिक्सर में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं और इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लें। अब हम इसमें भिगोई हुई इमली भी डालकर वो भी अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम ककड़ी को भी थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से ग्राइंड कर लें। फिर हम इसमें कटी हुई प्याज भी ऐड कर लेंगे और फिर से ग्राइंड कर लेंगे और हम लहसुन को कूट के उसका छिलका निकाल देंगे। कूटने के बाद छिलका निकालने में आसानी होगी, इसलिए हम कूट के छिलका निकाल रहे हैं। एक फ्राइंग पैन लेकर उसमें ऑयल डाल के गरम कर लेंगे। अब गरम हुए तेल में हम लहसुन डाल के भून लेंगे। अब हम इसमें राई और कड़ी पत्ता भी डालकर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद हम उसमें ग्राइंड की गई चटनी को डालकर मिक्स कर लेंगे। अब हमारी ककड़ी की चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम चावल के साथ और नाश्तों के साथ भी खा सकते हैं।
आप भी इस चटनी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी काकड़ी की चटनी कैसे लगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं लेती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।